हे जी उमा चली बेकूट द्वारे, नारद जी भरमाई वो। अरे मान समान दिना नहीं लक्ष्मी, मन ही मन पछताई। मान समान दिना नहीं लक्ष्मी, मन ही मन पछताई। समान दीना ने लक्ष्मी मन ही मन पछताई। मान समान दीना ने लक्ष्मी मन ही मन पछताई। ए लक्ष्मी बोली लक्ष्मी बोली सुन ले गवरा, सुन ले बात हमारी वो। हाँ तेरा पति गड़ नागरा के भोजो गुल बेला रे, तेरा पति गड़ नागरा के भोजो गुल बेला रे। ओ उमा चली पे कूट दवारे, नारद जी बरमाई रे। मान समान दीना ने लक्ष्मी मन ही मन पछताई रे। मान समान दीना ने बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति शंकर भगवान की, विश्वकर्मा जी महाराज की। कहे उमा चली बैकुंठ द्वारे, नारद जी भरमाइए। एक दिन पार्वती जी बिगर बुलाया बैकुंठ में लक्ष्मी जी मिलने वास्ते, मतो बनावे। तो भगवान शिव कहे देवी बिगर बुलाया कठे नहीं जाओ साई, किन जगह भी बुलाओ नहीं है, तू मत जाइए। ये सत्संग गुरुद्वारो ये बताई इन अलावा कठे नहीं जाओ। और तू लक्ष्मी जी उठे जाओ छा क्या, नहीं मार बहन मैं तो जाऊं। तो तिरी आट ज्यादा हट करियो, महादेव जी भोलेनाथ के जाओ पधारो। अब यूं करूं के पार्वती जी लक्ष्मी जी उठे बैकुंठ जावे, एक घंटो तक उन बैकुंठे दरवाजे माते उबा रहे। लक्ष्मी जी देखिया नहीं अनदेखिया कर दिया, मश्करी करनी हुजी। अब कहे मश्करी भी आदमी जगह और जरूरत रे हिसाब रीच करनी चाहिए। शास्त्र प्रमाणित बात है, उठे जिंटे मेरे मोर मन में आ हुजी। और पार्वती जी उबारी आदो पूर्ण घंटो, आखिर में नी बतलाया उनटे मेरे में कहे की रवाना होगा पाचा गेट मातो। लक्ष्मी जी विचार करियो की वन मतो नाराज हो जाई तो हमें कम कम बतलाओ तो सही। पार्वती जी पांचा मुड़िया ने कहे कौन पार्वती कहे, हाँ कहे तो धूं आयोड़ी अटे मैं तो जानू कोई जोगण है। इतो कहे ने जाल उठ गई पार्वती के ले ले थूमन जोगण की कर कह दियो। हम गणिजे हली हुई के भाई जोगण कह गो कह, नहीं नहीं जोगण कहे तो कह की कर। जन लक्ष्मी जी के लक्ष्मी बोली सुन ले गवरा, सुन ले बात हमारी। तेरा पति गढ़ नाग राखी ने वो शिव जोगी अलबेला, वो तो बच्चे गड़े में हापन बिच्छू रखे कौम किन्ना है थंठा कोनी, अड़ी रियो बलनी जरूरत कौन थू कोई मारानी है कौन जग बिल्डिंग में आई उठ भरी। इतो कहे वहां लड़ाई बेटी हमें कौन पहला चले ठेठू ठेठ जुगो जुगा लड़ाई हाथी भाई। उन टेम में इतो कहना हो विचार करियो की बात तो की हा पाड़ी ओंधी कह दी, पण भाई मां शक्ति पार्वती कम थोड़ी। पार्वती जी के हाफ राख ने जोगी वे क्या के, तो हूं मारी बात। उन टेम में पार्वती जी बात लक्ष्मी जी ने कहे, गवरा बोली सुन ले लक्ष्मी, सुन ले माता हमारी वो। अरे शीर सागर में विष्णु पौड़े सहजे शेष सवारी रे, शीर सागर में विष्णु पौड़े सहजे शेष सवारी रे। शीर सागर में विष्णु पौड़े सहजे शेष सवारी रे। उमा चली दे कूट दवारे, उमा चली दे कूट दवारे, नारद जी भरमाई रे। अरे मान समान दीना ने लक्ष्मी मन ही मन पछताई रे। मान समान दीना ने लक्ष्मी मन ही मन पछताई रे।
एक परीक्षा की घड़ी हुई। अब परीक्षा की घड़ी की करवे टाबरों की स्कूल मार्शा परीक्षा ले के काले आटे भी की थोड़ा परीक्षा रो मामलो लागे क्यों बच्चा जी मार्कशीट दे की और मारो हौसलो बढ़ाने वास्ते और माता पिता रे या बच्चों रो समान वो भी बहुत बड़ो काम है। तो टाबरों की एक दिन कोई स्कूल में मौखिक परीक्षा चले मारसा पूछियो भाई बताओ रेलगाड़ी आवेदन फाटक बंद क्यों करे। एक आदमी सब जीता ही टावर होशियार आ एक एक हाथ खड़ो करियो नहीं एक मारो हाथ ही छोटी फट दो हाथ खड़ा करियो। मार साहब दूजोड़ो हैंगो हाथ नीचा कराया कि दो हाथ खड़ा करियो उभो करियो बता रेलगाड़ी आवेदन फाटक बंद क्यों दे गयो तो वार तिमारी हाथ ऊंचो करेगो ना आज दो ही करिया इन मतलब इन्हें ठा है बता वो के सर कहीं बताऊ आ रेलगाड़ी कौटा कटू अड़गड़ी आवे कलकत्ता हूँ आवे के दिल्ली हूँ आवे कौटा बम्बई हूँ आवे जे फाटक खुली देख नहर परी बड़ी वे तो मकान और मिंद कर पाप काट दे कहेंगे फिर सित्यानाश कर दे के वाह भाई वाह बढ़िया बात कही निजन कह फाटक दीड़ी भूई मारे मुंड दीड़ी उभी रहे कोई बात तो कहे कि या तो एक परीक्षा की घड़ी आई है। पार्वती जी कहे सुन मारी बात है लक्ष्मी गौरा बोले सुन ले लक्ष्मी सुन ले बात हमारी शीर सागर में विष्णु फोटे सहजे सहज सवारी मारो गर्दन थी एक नैनो खपलोटियो राके थार पतिदेव भूता ही नागरे माते से ही नागरी जिन मोटो हाप है तो थार पतिदेव रे कने मोटा जोगी तो है वे इन मोटी जोगने थू ये तो कहे ना बात री बेटी लक्ष्मी जी बरोबर अंग लागी की बात तो हची गई जन कह हमें का मैं कहीं बात आ तो जची को जिनटे में लक्ष्मी जी ने एक बात और उजी और जिनटे में पार्वती जी ने कहना शुरू करे मारी बात सुन गवरा सदा रंक न राव सदा मर्दंग नहीं बाजे सदा धूप नहीं साव सदा इंदर नहीं गाजे सदा न जोब न थिर रहे सदा न काला केश बेताल कवे विक्रम सुनो तो सदा न राजा बेश लक्ष्मी बोली सुन ले गवरा सुन ले बात हमारी जी लक्ष्मी बोली सुन ले गवरा सुन ले बात हमारी वो ए राजा बल तेरा पति तो मांगन चले राजा बलि के द्वारे मांग मांग वो भिक्षा खावे सुजोगी बिखियारी रे मांग मांग वो भिक्षा लावे सुजोगी बिखियारी रे उमा चली बे मुट दवारे नारद जी बनवाई रे अरे मान समान दीना ने लक्ष्मी मन मन पछताई मान समान दीना ने लक्ष्मी मन मन पछताई विश्वकर्मा महाराज की कहे। अब पार्वती जी ने लक्ष्मी जी कहे कि देख थारो पति देव जगह जगह भिक्षा मांगन भर्ती करे पेट की पूर्ति करे तो मारे भिक्षाड़ो काम तो है कोई इन वास्ते जोगी नहीं तो भिक्यारी तो है ही तू भिकारण तो है अटे आयुड़ी भी यहां करने वाले लड़ाई हुई हां जी। अरे कहे मांगने भिक्यारण वे तो थारो पति मोटो भिकारी है के की कर के मारो पति तो दो गर्री मांगे चार गर्री थारो राजा बड़ी रे द्वारे गियो जको पूरो पापो काट दियो पूरो राजा रो राज यू तो नहीं दापो जन के उन खुद ने प्याल में गाल दियो एड़ा काम तो मारो पति नहीं करिया। कहे कि गवरा बोली सुन ले लक्ष्मी सुन ले बात हमारी तेरा पति तो मांगण साला राजा बलि के द्वारी राजा बलि रूट गियो और महात्मा कहे अप्रत्यक्ष बात है आदमी हाथ को करे गुजराती में काक कवि हुयो उन काक कवि आपरी कविता लिखी भजन लिखियो के हे प्रभु मैं थारी जटे पहुंचनो थायो मार बुद्धि रु विचार नहीं पहुंच सकियो इन गुजराती कवि कहो हे प्रभु अब राम जी ने इन जीव री चिंता की थी वो चिंता करे जीव बलि करो बाकी राम जी ने फिक्र की थी आप देख जो प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि आदमी जन्म नहीं लेवे उन पहली दूध रो प्रबंध करे रोटी खाने लायक नहीं वे उन्हें पहली दांतों रो प्रबंध करे
राम जी कोई कमी नहीं राखी है इन शरीर ने इन प्रकार घड़त में बनायो तो का कवि कहे मुंह वेद नथी जानू रे मारा सर्जनहार त्यां पहुंचे नथी मारी मती नो विचार प्रभु त्यारी लीला अपरंपार हे महाराज मारे मती बुद्धि रो विचार नहीं पहुंच सक्यो तो के केवी टांकी ने हाथोड़ो ढा घाट घड़ियो रे घाटरा घड़नार तमे बाळूड़ी कीड़ी ना ओतरा केम घड़िया से मारा किरदार अरे मु भेद नथी जाणू रे मारा सृजनहार त्या पहुंचे नथी मारी मती नो विचार प्रभु त्यारी लीला अपरंपार हे महाराज ए रात की बाळूड़ी कीड़ियो है आरा थे ओतरा कीकर बनाया ए कीड़ी रा केवे है बाल वे जीती निशाई जे जिन जगह वा गांठ लागोड़ी है बाल रे जीती शाही जे और जिनमें राम जी कहे सब चीज गाल दी पॉइंट सब गालिया मिनक आला हैंग पॉइंट फिट करी उड़ा अब मिनक में विशेषता कही है मिनक में विवेक है और कीड़ी में विवेक नहीं है बुद्धि तो है कीड़ी में भोग भय जरा और मृत्यु श्यार खानी रे हर जीव रे लागू व्योड़ी इनमें कीड़ी में बुद्धि है पर विवेक नहीं है क्योंकि आगे पानी पे तो कीड़ी मरियो में नहीं पड़े जौन करन जे हमारे दोटे में पड़ जाते आए गुनी किस्मत में बात लिखी अलग है बाकी जौन करन कीड़ी नहीं पड़े तो कहो है आप प्रत्यक्ष बात बताई जन के हे महाराज उन्हें कीड़ी रथ है ओतरा बना एड़ी थारगुड़े की हाथोड़ी है एड़ो क्यों टोंकी है एड़ो क्यों औजार है जिकने थे उन्हें बनाइए के भी टांकी ने हाथोड़ो घाट घड़ियो रे घाटरा घड़नार तमे बाळूड़ी कीड़ी ना ओतरा केम घड़िया से मारा किरतार अरे मुंह भेद नथ जाणू रे मारा सृजनहार त्या पहुंचे नथी मारी मती नो विचार फिर कहे जलमिया पहली दूध झुगते की दो रे मारा सृजनहार टाबर जन्म नहीं ले उन पहली परमात्मा दूध रो प्रबंध करियो अरे बालका में कैम आवे से मात पिता नो अंसार अंसार गुजराती में कहे उनिया रे टाबर में थे माँ बाप ने उनिया रुकी कर गालियो मन आ बता दे अपे देखो कोने उन पिताजी मिलियो रहा है टाबर देखो तू भलौन जीर बेटो है रे के हाँ शावर बेटो तो कहते हैं उनिया रुकी कर गालियो अरे मुंह भेद नथी जानू रे मारा सर्जनहार त्यां पहुंचे नथी मारी मती नो विचार नहीं तो कहीं घर मनुष्य माते आठ प्रकार रो घमंडे पहलो घमंडे आदमी में विद्या रो मारो हाथी दो बात कह उन्हें एक जावे विचार करने बैठे कि मार जड़ो मई जुदू जो उन्हें कोई दिखी जो दूजो आदमी में घमंड है जवानी रो पर वन आ था नहीं एक बूढ़ी ने पूछ लो खेतरो हेडो है अपन था पर एक ऑटो मारो हेडो है दूजो रो खेत उन्नो है पर आदमी रो टाबर पड़ो झूठ जवानी में कद बढ़ियो उन्हें और कहीं हेडो था पड़े और नहीं पड़ियो जवानी छोड़ बूढ़ा में कद गियो बूढ़ा पेरे में तो उन्हें ध्यान नहीं पर देखता बूढ़ा पो आगो टाबर पड़ो गियो जवानी गीन बूढ़ा पो आगो कालियरा बाल धोड़ा होगा आया की करके काले हवार की बात है हम काले हवार की चक्कर में उम्र की परी पर केवे प्रत्यक्ष बात बताइए महात्मा केवे किन बात ने समझी होवे तो बात समझ में आ इति बात केवे तो पहलो है दूजो जवानी रो तीजो आदमी में जो घमंड है वो जाति रो घमंड है सो तो आदमी में कुल लो घमंड है प्रभुता रो घमंड है के विद्या जोबन जाति धन प्रभुता सुंदर रूप कुल मदिना अष्ट तजे थारी मेमा बड़े अनूप इन आठ प्रकार के घमंड रो त्याग करे तो थारी मेमा इति बड़े अनूप कहवे जिनी उपमा नहीं कर सके मिनक तो आठ प्रकार रो घमंड है मनुष्य में चार प्रकार की मिनक में ताकत है एक तो खुदरी ताकत की मारे हमी बीस आदमी आवे तो मैं एकलो सामना कर दू एक अपबल एक तप बल एक तपस्या रो बल वे जी को तांत्रिक विद्या ही कीड़ो है ओके बेटो मन की कहो तो घरे हेंगो डर नोक दू हेंग सो नाश्ता वो तांत्रिक विद्या रो बल और एक तीसरो बल बताए वो आदमी भाई रो बल है कि मोर बीस भाई रो परिवार एक डोंडी पाओ मन की कह तो ओतरा काट दो अन भाई रो घर तो बेलाई जोना चाहिए ओसा भाई रा घर अलग योड़ा फायदो को दिए जिन्ने भाई रूटे वारा घर बैरी लूटे जिन्ना भाई रूट का वारा घर बैरी लूटे प्रमाण देख लो लंका रो देख लो रावण जैरो रो विभीषण भाई अगर राम जी नहीं मिलतो तो रावण नहीं मरतो पर वो घर रो भेदी जान मिलियो क्यों कि घरों भेदी लंका बाली ओ घरों भेदी और जना लंका हनुमान जी महाराज भी बाल तो इनमें महात्मा कहो कि भाई देखो चार प्रकार अपबल तपबल बाहुबल स्वता बल हे दाम वही निर्बला पुकारे राम ने तो अभी राम जी रो ना हमें ऐसी जो बेली होनी चाहिए ठाकर द्वारो पंडितों खेत पूत परिवार इतना तो नेड़ा भला जाइए सौ सौ बार ठाकर द्वारो के मंदिर ने मंदिर घर नजदीक होना चाहिए सजन आदमी रो घर नेड़ो होना चाहिए ठाकर द्वारो पंडितों खेत पूत परिवार खेत घर नजदीक होना चाहिए सोरो मजूरी माते नेड़ो होना चाहिए इतरा तो नेड़ा बलान जाइए सौ सौ बार नेड़ा कऊ कऊ नहीं होना चाहिए कोई नेराज नहीं होना महात्मा और कड़ी बात है ठग ठाकर ने छोरटो जवाई ने दीव इतरा तो अलगा बलान हो रहा रे वे जीव
ठग आदमी रो पड़ोस नहीं होना चाहिए नी जन बैठो कणी कणी गवर्नमेंट वालों आटो खड़ा दे हाउ बिगर गलती की अन एक ठग साहब रो पड़ोस नहीं होना चाहिए आ बात कही गवारा तेल पड़ता उन टाइम दिन उगे ठग साहब लियोड़ी केडी हाथ में वा बैत कह कर बॉडे आली ना बजा फलौनिया घरे हुकम आज मार डोका उकलावना आलू सा घरे खेत में बड़े तो ठग साहब जानो पड़े नी जावे तो जावे कटी दूसरे दिन के आज बारो झूठ को लाटो ले रहा तीसरे दिन के गवार कटावनो तो दुखी उड़ो के ठग ठाकर ने छोड़ तो छोर आदमी पड़ोस नहीं होने पुलिस आना पड़ोस में आने रात को यहाँ क्या वारदात हुई थी अरे बाप जी नी लौंग वारदात तो ध्यान रखो मन पड़ोस के आज रुपये थाने में आई जरा थोड़े बयान देना है देखियो रे कोई चोरी करनिया करी गुनो किन्ने घर में हुई उन्होंने बयान मारा दे तो वह दुखी वेजा जन के ठग ठाकर ने छोड़ तो जवाई ने दीव जमाई कहे हार एम जान बेगो वे तो कहे पूरा और पूरा हाथ पीड़ी रो नौ वे जिको डुबो दे एक पाउन जान हार एम भिटोगो जन हाड़ा आन पूछे बहन कितना दिन रहो के दोनों साफ है जीत बैठा हूं अरे बोरी मां थोरी लागे बेच रहा बापो ढाई महीना ये आग पाते को इनको लोग ही पूछे थार बहन जी अटकी कर बैठा ते जाओ नो नौ भी कोलो नी बात कहूंगे वो देख रो रोज रोज हाड़ो दुखी करे देखो आज भीत सफेद गणी बेटी माते कराई सफेद कड़ी जो कोई ले लिख दियो आए हैं तो रहेंगे दो चार मास हाड़ो के चार महीनों और टारगेट जीजा श्री बना दियो है पर बैठो बैठो चार महीना नहीं पूरे उन आगे कोई ले नीचे लिख दियो हाथ में लोदा तोड़ा खेत में काटो घास ओके रे बेटो काम वालो मामलो तो की जमी कोई क्योंकि अगर काम करना नीति होती धारे में क्यों बेवता हम आटा आन हारे में बैठा दे तो हाड़ो जी काम बढ़ा दियो सुबह दिन हो गया क्या थोड़ी थेल लाई जाओ क्या क्यों जाओ पर काम नहीं करना जन तो अटाया अने थे ही काम बढ़ाओ क्योंकि प्रत्यक्ष बात है बारह महीनों एक बड़ा जावे जन के कंवर सा पधारिया छह महीनों जावे जन के जमाई सा पधारिया तीन महीनों जावे जना पौना पधारिया परमानेंट भिटो का फलौन गिर करो कटी को जाना ओटीज बैठो मरे बेटो अस्तित्व खत्म हो जाए आदमी रो की करवे साई ऐसे पुत्र से बांध रहे बड़ू नारी बिगड़ी बेटे बाप से जाए रहे ससुरारी जाए रहे ससुरारी नारी के नाम बिकानी उठे लुगई रे नाम बिक जावे नारी के नाम बिकानी कुल के धर्म नसाए और परिवार नसाई गिरधर कहे कविराज ऐसा पुत्र न जाई ऐसे पुत्र बिना तो बांध रहे बड़ू नारी आठ और चार बार इन पांच प्रकार मिनक में विषय लागू है शब्द स्पर्श रूप रस और गंधे पांच विषय लागू उड़ाए कि कर पतंगे ना आप देख जो वो प्रकाश रो प्यासो है और पतंगो प्रकाश देख उठे उन्हें जान प्रकाश में पड़नो पड़ी एक आंख इंद्री उन्हें कब्जे में कोनी उन्हें मरनो पड़े एक आंख री वजह पतंगे ने मरनो पड़े सोमा सेरी टैम वे अड़ी मरगरी लगा दिए तो एक नी लाख पतंगा एक हाथे मर जावे हम उन्हें एक इंद्री कब्जे में कोनी सिर्फ बाकी सब कब्जे में मौत खानी पड़े और दूसरों कहे मछली है रसली प्यासी उन्हें जीभ कब्जे में कोनी भवरो सुगंध रो प्यासो उन्हें नाक कब्जे में कोनी हाथी ईश्वर सिंद्री रुपया सो उन्हों कहे शरीर कब्जे में कोनी और मिर्गो धवनी रुपया सो उन्हों कौन कब्जे में कोनी एक एक इंद्रियों आने मरनो पड़े और मिनकरी पांच री पांच दुश्मन है बारे ने पांच हतरे वे अन मिनकरी सब दुश्मन है जीव दुश्मन कौन दुश्मन आंखें दुश्मन शरीर दुश्मन शब्द ईश्वर रूप रस है पांच विषय मिनक ने खा दिया रात और दिन तो महात्मा कहे बारे ने पांच हतरे शोर इन शरीर रूपी मकान में बैठा है हाथ पीड़ी तक धन कमायो वेन छोर ने कहा साबी एक घंटो थने हूं भी मार घर ले जाओ तो ले जा कौन था हाथ पीड़ी कमायो एक घंटे में वो ले जाए अब हाथ पीड़ी कमायो धन छोर एक घंटे में ले जाओ दिन शरीर रूपी बिल्डिंग रे में हतरे प्रकार छोर बैठा अंदा तो लगाओ लूट की थी भयंकर से ले तो महात्मा कहो कि लूट ने मिटाने वास्ते कोई महापुरुष कह आवे शब्द काम में लिया तो कार करे नहीं तो हेठ आड़ी वे हेठ घर में दिन बदियरी टाइम बेटो छोर कूदियो हेठ साहब रे घर में छोर बढ़ियो हेठ साहब देख रो हम ही क्यों पर फेस टू फेस टू बे तो कंदुरे में दे दे जन हुता हुता स्कीम करे अशोक री मम्मी खेटन जी पाड़ उता रात जको क्यों कहूं बात है नींद ले उंडो कनी के मार बीटी कट रखी गोटन दी थने अद्विटी करी उड़ी हेटानी थी वन टाइम मेरी टाइम अपर शब्द ना पढ़ो बाकी पहला एक ही थी पढ़न वाली कौम सिर्फ और सिर्फ सेठ लो वारे तो सब पीढ़ी पड़ी उड़ा रहता क्योंकि बे धंधो करने वाला जन कहो की हेटानी जी पड़ी उड़ा के आधी रात रो टेमन बीती री बात हुता हुता के बात की दूजी वे वो अनुमति हुए पतिदेव रात रा बात की इसकी मुँह कही दे कहे पतिदेव बीटी गौंटती गौंटती अद्विती री कोर की मटकी तले पड़ी छोर कौनो कौन होनी देखे हमार भाव तेज कर रहा है आधे तोड़े रे तो न्याल कर दी बेटू पंद्रह होले हजारों माल है
અને અમે હે પણ નીંદ આવે તિજોરી અને તાળા તોડો ધન મિલે કે નહીં મિલે નહીં 15,000 માલ પડ્યો દો તોડો એ ન્યાલ કરી દે દાળ દૂર હો જઈ અને નીંદ આવતો આપણે તો મટકી તલાવી ધન લઈને હાડી બાર કરો હેઠ સાહેબ કહેવાય અમે ઓન માં તો થઈ બોલો બોલા ઉતારી જો આકા હું મત કરજો હેઠળની જગ્યાએ હું તો કો કરું જીતે કહેવાય એવું જોર પોલા પોલા પાંડા ભરે બેઠો ઓટી કરીને નીકળ્યો હેઠ સાહેબ કહેવાય ગણી પહેવે ભાઈ હોળે મટકી તો જા પર ઓટિયા નહીં કૂદે તો મને કહીજે રંગ ને હોને પાછો રાખે એડો પીલો દે કે ઊંડે કર્યો હેઠ જીરી બેટી મિલવટ કો કર્યું હોનો તો અસલી ચાંદની રાત ચાંદરે જીને ચંદ્રમારે ઉણ ચાંદ ને દેખ્યું કે હોને બીટી એ પક્કી રાત રહી શમકે પીરો બીચું બેઠો ઊંડ ઠા પડ્યું કોણ બીજું મારો મેં કાળો ચીકલો ઉણદે કે વન મેં તો શનિદેવ નવરો નગીનો ફીટ કર્યું નગતર હું વળી ઉડી ભીટી અપોન ન્યાલ કરી દે ભીટી રે ભોળે હું હાથ ગાલ્યો લિફ્ટ ઊંચી કરી ઉડી બેઠો રહ્યો બીજું હંમેશા હું લિફ્ટ નીચી રહે જ તે ટપ દેની છીપ્યો કરી આ છ છ છ હેઠ સા પાડે ઉતા કે કાઠી હલી વ્યા છીટુડી પહેર દે મારે કાઠી પડતી અરે કે એ તો કયો મને બીછું ખાવ તો ગોગોજી કટું લઉં હોજી કો હાજરે કરને લગે સબ લોગ બિન ભાગ મિલતા નહીં દુનિયા મેં અમીરસ ભોગ કિસ્મત હે તો અમૃત જેવો ભોગ મિલે બાકી તો એ દુજોડા ભોગ પદાર્થ તો સબન મિલ નહીં જાય ફિર કહેવે મધુ હોત અમરસમ ત્યારા ખાવે શ્વાન જટતા જ દે પ્રાણા મધુ કહેવે હેદ ને હેદરી પહેચાણ કરની અસલી ઓર નકલી રી તો કુતે ને બુલાન તે એવું હેદ ન આપી જો કુતો મૂંડો નહીં દેવે અગર પ્યોર હેદ એ તો મૂંડો નહીં દેવે ને સકરી સાણી એ તો સાઠ સાઠ ને ખાઈ બેઠો ક્યું કે થાય કે હેદ અગર પ્યોર હે તો ખાવતો એને હાડ ભેલ લીડો જાણે બંદૂક રી ગોળી પાઈ ઉઠું આગુઈ દી કે મરનો પડે મધુ હોત અમરસમ પ્યારા ને ખાવે શ્વાન જટતા જ દે પ્રાણા મક્ખી કરે ગંદકા પાના ને ગીરત છે પ્રાણ દીવો માં કી ગંદગી હોય ઉઠે હલી હલી પહેલી ઘી આળી કેવે કે ગીલોડી નેડી ઘી તો જાણે ગીડી જી અમે ઘી ખાવણે માં કી જય રહેવું એક તરે નું ઘી અને કઈ કઈ મિંદકી અમે તો કેવે સા ઘી મુજ ખાઉં કોણ કે કેમ મને ડાયાબિટીસ જીવડો કે મને ડોક્ટર સાહેબ મના કર્યું અરે બેરી ઘી ખાયા જા તું પરો જાય તો બળી હોરો તારે ફાયદો છે પણ તોય ખાવે કોઈ ફેર કયો મહાત્મા કહેવે કે મિશ્રી હોત અમરસમ ત્યારા ખરકો દે તો તુરંત જાવે મારા મિશ્રી અગર કેવે ખસને ખડાઈએ તો ખાવતો જાણે બંદૂક રી ગોળી ભાઈ વિને મરણો પડે મિશ્રી ને મૂંઢો નહીં દે વિને મરણો પડે મિશ્રી હોત અમરસમ ત્યારા ખરકો દે તો તુરંત જાવે મારા ઓર કહેવે કોવા ખાવે નીંબ ફળ ખારા દાખ પકે ગળરો વેસાગરો મહિનો આવે ઓંબા પાકે દાખો પાકે અને કેવે કાગલેર બેઠા ગળગંટા રે ઘોંટો ઉજે કે ઇને તો નીંબોળ્યો એ નીંબડે વાળી ખાવણી લીકીડી ઇને અમે દાખો ખાવણી થોડી લીકીડી તો ઇની જ પ્રકારનું મહાત્મા કહેવે કે જીને કિસ્મત મેં જો ભાગ્ય મેં જો વસ્તુ લીકીડીએ વા બિને મિલેલા બાકી બિન ભાગ મિલતા નહીં ભલી વસ્તુ કા ભોગ દાખ પકે બેસાગ મેં ઓર હો જાવે કાગગળ રોગ તો અપરે તો આજ પ્રત્યક્ષ મોકો ભી હે ઓર ઇન સીધરો અપને સત્સંગરો આનંદ લેણો હે તો મહાત્મા કહ્યો કે ભાઈ દેખો અબ ઇન જગા મારે લક્ષ્મી ઓર પાર્વતી જી ને આ લડાઈ હોઈ ઉંટે મેં પાર્વતી જી કહેવે ધારો પતિ એડો કામ કર્યો રાજા બળી રે દ્વારે ગયો ઉંટે મેં કિતરો કામ ઊંધો કર્યો કે ભાઈ ગયા તો અમે લક્ષ્મીજી રી આ વાત કોને પડી કેવી રી આ પાર્વતી દાવ દઈ કોને કરણો કે કર્યો અને પાર્વતી કે યું નહીં તાર પતિ દેખ રાજા બળી રહ્યા તે હાલ કીતા બુરા કર્યા આ વાત મારી સુણ તું રાજા બળી નિમણું યજ્ઞ કરે 100 યજ્ઞ પૂરા ઉજાવતા તો કે રાજા બળીને ઇન્દ્રનો રાજ મળતો જણ ઇન્દ્ર ભગવાન વિષ્ણુને જાન પ્રાર્થના કરી હે પ્રભુ મારો રાજ જાય પરો અને અમે આપ કીન કી ઉપાય કરો નહીં તો મને રાજ છોડનો પડી તો વિષ્ણુ ભગવાન 52 અંગલો શરીર બના ઓર કે રાજા બળીરે દ્વારે જા ઓર ખડા ઉજાવે ઉઠે કઈ જે ખડા રહ્યા એમ રે મેં કે આખીર મેં આ ઓર રાજા હાલી મુસ્તી ન કર જાન રાજાને કે એક છોટા સા મહારાજ ઉભા આપરે દ્વારે મહારાજ બોલે કોને રાજા જા ઓર કહેવે કે હે મહારાજ આપ મારે ઘરે પધારો આપની જો ભી ઈચ્છા મેં પૂરી કરું લા ઉંટે મેં કે હે રાજા મેં નહીં સમજ Thank you.
થઈ જીવતા રોશા થર બિના તો નહીં કહું કામ વાતો પ્રતીક છે સા તો કઈ ડોકરો બુડા હોગા ભેંયો પાઉને જાવે રોજી નહીં તળાઈ માથે એક દિન કહું હિયળી ટેમ દે પાર દિન આવ્યો ડોકરો દેખ્યો વન માં તો આજ ભેંયો પાણી ભરગી જીતે બંધો હિનાન કરે હર ગંગે નર્મદે કહ પાણી ઢોળ્યો ઠંડો ગણો આ કેમ ચીજ ગઈ જીતે ભેંયો ઠંડો પાણી આવા જાણે નીકળી ભેગી ઉનાળો હોય તો બારે કોઈ નીકળે પણ હિયળે બહાર નીકળી ગઈ હમી કોઈ મહાદેવજી ની મંડી પડતી સુંદર બગીચો લગાવ્યો ફૂલ લગાવ્યા ધોબડી બાયડી ભેંયો ભડી આડો ખુલ્લો દેખ્યો તો કો કેવે ભેંસ ક્યાં જાણે ખેત સગમ કા હે એક શ્લોક મેં કહ્યો કવિ ગંગ ગુડ કી બાદ કો મુટ ક્યાં જાણે ઓર કુંભ ક્યાં જાણે અશ્વેત જગે કો પ્રીત કી રીત અતીત કા જાણે ઓર ભેંસ ક્યાં જાણે ખેત સગા કો ભટ કી બાત કો જટ ક્યાં જાણે રે પાપી ક્યાં જાણે પાપ લગે કો હા કવિ ગંગ કહે સુ સા અકબર તો ખર ક્યાં જાણે નીર ગંગા કો ખસન ને કહું થા ગંગા જળ કઈ ગે હે તો જિન ટાઈમ માં બે બડી જો કો પૂરે મિંદરે બગીચે રો સત્યાનાશ કરજ્યો પૂજારી જી અપુટા ગિરડા ઓમ જય જગદીશ હરે ઓમ જય જગદીશ હરે કર્યા જીતે ડોબા પડ્યા જકો શા પડ્યું કોણ અમે ગિરિયા પાછા ને કે ભેયો ઉભી મેં ડોકરો કેરીએ ભેયો કી નહીં આવી મારે બગીશો દેખે જાડો અમે ભણ્યો ને ગોમરા ઓળબો દઈ ને અહીંયા કર મહારાજ ને ઝડપાઈ રી જકો ગળે મેં એક હોંકળ બાંધી લીધો મિંદર મેં બાંધી કે બુલાન લાવું કીની ભેયો ઓળબો ગુનેગારી નકામ અમ ભેયો બેઠે મિંદર મીજ બાંધી જીતે બારી ઓંક્યો ખુલ્લી ઇનોન કર્યો પછી રે ભેયો કટી ગઈ અચી ઉઠી ભીરિયા ઇનતી રહ્યા પગ દે ક્યાં ફિરતા ફિરતા પગ હેલોણ સીધા આયા મિંદ્ર મેં બાદોડી અમે અત્યારે દોડી દોડી ફીરે મેં નહીં આવે કણી ઉઠે ઉભા રહે અને કણી અટી ગળો કાઢે કણી અટી ગળો કાઢે એનું પૂજારીજી નીચે પડી દે કે પૂજારીજી પૂછી તો કહે દઉં કે મારી એ ખોલ દો અબ પૂજારીજી કહેવે બા ગળા ઘણા કાઢે કહું બા ચોરી કરનો વિચારે કે નહીં નહીં કે તો કહે ભેંયો કી નહીં કે ભેંયો તો મારી એ કે તો તે કોની ધ્યાન રાખો એ ભેંયો બડી મારો પૂરો બગીચો સત્યાનાશ કરી દો કે બા સીધાઈ બોલતા કે વેસા આમ અકલ કોની પશુ એ આગી અરે પશુ એ થેતો પશુ આપો નહીં તો અમે તો અકલ ધ્યાન રાખડી થઈ જાય કે સા ધ્યાન રાખી પણ એ પશુ એ અમે અકલ કોની મામે અકલ હે જણો તો બર હિતર ખડકીએ થોર મિંદ્ર માં આવ્યો તો કહો કે હાલી તો ગળા બારું કાઢું હાલી મેં કહો એ નહીં તો કેને રૂ મતલબ હે અપારે મન મેં ભાવ હોણો બહુ જરૂરી હે સત્સંગ મેં ભી બેઠા અને ભાવ નહીં બને તો કામ નહીં જમે અને આજ પ્રત્યક્ષ વાત એ સબરો એક ભાવે એક ઈ ભાવે અને સાઈ જાગણ વે જમો વે ઓસર વે મોસર વે બ્યા વે સગાઈ વે એ ઘર મેં કામ તેવડો કે ઉન કોમરે મેં હેંગરો ઘરરો મતો પાંચ મેમરે ને બેઠો એક નો દિલ્હી અમી એક નો જયપુર અમી મુંડો ઉગોવે તો ઉન ઘરરો કામ બિગડ જા તો ઈતા સમાજ રા પૂરા સબ ભક્ત લોગ બિરાજ્યા ને હેંગરો ભાવ એક હો જાવે જણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણે ઓ બાતરો કી ઇન સબારે મેં ઇન સ્થાન રે માતે જી કી દેવી દેવતાઓ આહવાન કર્યો સ્થૂળ રૂપ હું દેવ સુવા બેઠીએ ઓર સૂક્ષ્મ રૂપ હું સબ દેવી દેવતા ને સબારે મેં બેઠા ઓર જયકારો હું દેવી દેવતાઓ રો આદરે સત્કારે તાકિ વે લાગે કે ભાઈ તું તો કરેલા છોને છોને મૂલી કુલા ઉપરલે પોંડે ઉપરલે પોને મારા હાજરી નંબર લાગી કે ભાઈ એ જે બોલણ મેં હંગુ તે જા જે બોલની કઈ નીંદ લેવતા વે નીંદ આળેર પાડ જે બોલો તો ઉને ભળે નીંદ ઉડ જા અને નીંદ લેવતો નહીં જગાવન જે નહીં બોલો તો બેટો પાડે કઈ હે બો નીંદ લેવને તો બનાય અજગર અને પાડે ફરી બેઠનીઓ પૂંગી બજવણીઓ પડે જણા આપણ ઇન દોઈ બાતમ બસન રેણો અબ લક્ષ્મીજી ઓર જિંતે મેરે મે પાર્વતીજી કહેવે વાત બતાઈએ રાજા બલી રે દ્વારે જા ઓર ખડાવ્યા તો જિંતે મે રાજા બલી સંકલ્પ કરે તો બલીરા ગુરુ શુક્રાચાર્ય આવે ઓર કહેવે હે રાજા સંકલ્પ મત કર કે ક્યું કી એવો થાર હાથે ધોકો હો રહ્યો કે મહારાજ મેં તો સંકલ્પ કર ચુકો હું હવે ઓ શરીર નહીં રહેવે તો બી મેં પાછો નહીં હટું ઉંટે મેરે મેં કહેવે Thank you.
फसल मेरे खातर विष्णु छोटो रूप बिनायो बावन आंगण दे बनाई बावन आंगण दे बनाई द्वारे थारे आयो मोबरी राजा ये मत देव दान जमी कोरे भगवान की।